थाना रिफाइनरी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव बाद में कुछ दिन पूर्व हुई किशोर की हत्या के बाद मासूम बच्चे को श्रद्धांजलि देने के लिए कृष्ण सरोवर पर युवाओं ने कैंडल जलाकर मौन धारण कर उसकी आत्म शांति के लिए प्रार्थना की। ग्रामीणों के अनुसार हर्ष गांव और जनपद का नाम रोशन करता, लेकिन गांव के ही एक युवक के द्वारा उसकी निर्मम हत्या कर शव को जंगल में छिपा दिया गया। वहीं मथुरा पुलिस ने 48 घंटे से कम समय में इस हत्याकांड का सफल अनावरण किया। पुलिस के द्वारा किए गए सफल अनावरण के लिए ग्रामीणों ने पुलिस का आभार व्यक्त किया। ग्रामीणों का कहना था कि 14 वर्षीय किशोर पढ़ाई में बहुत ही होनहार था, सोशल मीडिया पर भी वो हमेशा छाया रहता था। 14 वर्षीय किशोर द्वारा इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि पर काफी वीडियो अपलोड किए गए थे, जिन्हें काफी पसंद किया जाता था। किशोर की हुई निर्मम हत्या से गांव और आसपास के क्षेत्र के मासूम बच्चे भी घर से बाहर निकलते समय डर रहे हैं। श्री कृष्ण सरोवर पर आयोजित हुई श्रद्धांजलि सभा में ग्रामीणों ने क्षेत्रीय लोगों से आग्रह करते हुए कहा कि बच्चों पर विशेष ध्यान रखें, ताकि किसी भी मासूम के साथ ऐसी दुर्घट घटना ना हो। आज श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है कृष्ण सरोवर पे, आपके गांव का बच्चा था, क्या कहना? मैं यह कहना चाहता हूं, ये बहुत दर्दनाक घटना हुई है बादगांव के अंदर। ये बादगांव के लिए नहीं, पूरे प्रदेश और देश के लिए मतलब पहली बार ऐसी घटना हुई है, जिसको सुन के बच्चे से लेके बुजुर्ग तक के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुन के नहीं है, सब बार बार पूछ रहे हैं कि इतना प्यारा मासूम बच्चा कैसे मारा गया, और हर आदमी ये चाह रहा है इसमें मतलब न्याय मिले। और ये हमारे गांव में पहली बार ऐसी घटना हुई है, जिससे बच्चे भी नहीं सो पा रहे हैं रात की अपनी नींद से, और बच्चे अपनी माँ से लिपट के सो रहे हैं। इतनी भयंकर घटना हुई है ये, क्योंकि वो हर्ष जो था वो बहुत चहेता बच्चा था, सबका प्यारा था, बहुत ही हंसमुख लड़का था, और भविष्य में वो कोई ना कोई अधिकारी बनता ज़रूर, क्योंकि उसके सोशल मीडिया पर वो वीडियो डालता था, बना के अपनी एक्टर वीडियो डालता था। उसको देखने वाला ये नहीं कह पा रहा है कि मतलब इसने कोई वीडियो ख़राब बनाई है, मतलब अधिकारी सब लोग ये कह रहे हैं कि हाँ ये लड़का तो एक होनहार बच्चा था, जो इस लड़के को बाद गांव ने तो क्या पूरे प्रदेश ने खोया है। ये हमारे गांव तो क्या पूरे प्रदेश के लिए एक बहुत दुखद की घड़ी है, इस दुख को हम कभी भूल नहीं पाएंगे, बहुत बड़ी अपराध हुआ है। आज बादगांव में श्री कृष्ण सरोवर पर हर्ष ठाकुर के लिए एक श्रद्धांजलि सभा आयोजन की गई है। सभी ग्रामवासियों ने और सभी लोग आज यहाँ पे एकत्रित हुए और उसे हर्ष के लिए एक श्रद्धांजलि दी, और सभी ने मोमबत्तियाँ लगाई और सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए और सभी का चहिता था वो। सभी लोग ये चीज़ सभी ने देखी है सोशल मीडिया पे, सभी लोग ये कह रहे हैं कि भाई इतना चहिता लड़का, इतना सुंदर लड़का, और उसके साथ में एक ऐसी घटना घटी जो जानने वाला भी उसके प्रतीक मतलब विश्वास नहीं कर पा रहा है कि ऐसा उसके साथ हो सकता है। जो भी देखता है वो भी उसके प्रति, चाहे हमारे प्रति या कोई बाहर का भी हो या कोई भी उसे देखता है, तो उस लड़के के प्रति ऐसा सोचता है कि ये इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। परंतु एक हैवानियत के शिकारी ने ऐसा ये काम कर दिया, जो हमें भी इसका बहुत दुख है, और इससे आगे मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता।